फाइनली दोस्तों ओला के तीन मोटरसाइकिल्स मार्केट में आ चुके। रोडस्टर नाम रखा है, तोड़म ताड़ मोटरसाइकिल्स है, 75,000 से 2.5 लाख तक आ जाते हैं। तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ले कौन सा, क्योंकि लगभग 6 से 7 मॉडल्स हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूँ कि रोडस्टर इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या वर्थ है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो दिखता कैसा है, उसमें क्या एडवांस चीज़ें आई है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी ओला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स कैसा है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, मैं यहाँ पे सीधा आ चुका हूँ ओला इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हो भाई जबरदस्त मोटरसाइकिल बनाया है, ये उनका रोडस्टर का मिड वर्जन है एंड इसका फिल्म वगैरह आप देख सकते हो इफ यू विच बाद में जाके। बट यहाँ पे इन्होंने जो वेबसाइट बनाया है, क्लियरिटी हमें मिल जाता है कि रोडस्टर के जो तीन मॉडल है, रोडस्टर, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो, तो ये इसमें सबसे चीपेस्ट कौन सा है पता है? रोडस्टर एक्स है, जिसमें बेस वेरिएंट चालू हो जाता है 75,000 में, और इसका जो टॉप वेरिएंट है जो 4.5 kWh बैटरी पैक के साथ है वो मिल जाता है आपको 1,00,000 रुपए एक शोरूम प्राइस में। ये अभी की प्राइसिंग है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 15 अगस्त के बाद में इमीजिएटली। और यहाँ पे रोडस्टर प्रो की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे दो मॉडल्स मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक जो व्हीकल है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पहले जो है वो बेस वेरियंट के साथ जाता है, यहाँ पे एक्सप्लोर पे मैं क्लिक कर रहा हूं। और ये अगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में आ जाए और अच्छा परफॉर्म करे ना, तो भाई ईवी इंडस्ट्री में ओला को कोई नीचे नहीं ला पाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो अभी ईवी का इनका बन चुका है ऑलरेडी। ओला S1 प्रो, ओला S1 एयर, ओला S1 एक्स 2 kWh, 3 kWh, 4 kWh, ओला S1 एक्स प्लस, इतनी सारी जो स्कूटर है वो ऑलरेडी है। अभी मोटरसाइकिल भी 7-8 मॉडल्स आ चुका है। तो आप देख सकते हो 200 किलोमीटर का रेंज यहाँ पे आपको इसमें मिल रहा है। 11 किलोवाट पिक पावर वाली मोटर है एंड यू आर गेटिंग 124 kmph का टॉप स्पीड एंड दिस इज हैविंग अ लॉट ऑफ फीचर्स। ओके, सो यहाँ पे रेंज तो इतनी है ही, इसमें 4.3 इंच का सेगमेंटेड आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है एंड इफ यू सी ओवरऑल तो इसमें बहुत सारी लिमिट्स आप पुश कर रहे हो। जैसे इनका कहना है 0 to 40 आप 3 सेकंड्स में कर पा रहे हो। टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, यहाँ पे LED हेडलैम्प्स है, यहाँ पे फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको मिल रहा है, अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, स्पोर्ट, नॉर्मल एंड इको, ऐसे तीन मोड्स में इसमें मिल रहा है आपको। 282 किलोमीटर का जो रेंज है ये इसके टॉप मॉडल में आपको मिल जाएगा। एंड डिजिटली अगर आप देखो तो इसमें क्रूज कंट्रोल है, एडवांस रीजन है, यू आर हैविंग टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्प्ले जो है बहुत अच्छी तरीके से अलग से बनाया है, रिवर्स मोड है, TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये AI बेस्ड इन्होंने अभी बनाया है, उसमें फिजिकल TPMS सेंसर कौन सा है नहीं ऐसा इनका कहना है, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, ये सारे फीचर्स जो MOVOS 5 में आएंगे वो यहां पे ये मिल रहे हैं इसको, OTA अपडेट्स, चार्जिंग स्टैटिस्टिक्स, वैकेशन मोड, राइडर प्रोफाइल, ये सारी चीजें यहां पे आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप यहां पे देखना चाहोगे तो ये वन ऑफ इट्स काइंड जो मोटरसाइकिल है ये आपको मिल रहा है 74,000 से आगे, 74,000 से। इसमें तीन जो मॉडल है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उसके रेंजेस क्या है। अभी मैं पीछे जा रहा हूं एंड मैं आपको इसका जो मिड वेरिएंट है वो दिखाता हूँ जो है रोडस्टर, इसको एक्सप्लोर करते हैं। डिज़ाइन जो है रोडस्टर एक्स, रोडस्टर और रोडस्टर प्रो, इन तीनों का अलग अलग है। एंड अगर आप देखो इसमें 248 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज, मोटर जो है रेटिंग बढ़ा चुके हैं, जो बेस है वो 11 किलोवाट वाला है, जो रोडस्टर है जो मिड है, मतलब रोडस्टर एक्स इज 11 किलोवाट, रोडस्टर इज 13 किलोवाट एंड जो रोडस्टर प्रो है भाई वो तो तोड़म ताड़ है, 50 किलोवाट से भी ज़्यादा उसका मोटर पावर है। यहाँ पे 126 kmph का टॉप स्पीड ये बोल रहा है, अगर मिल जाता है ना तो अमेजिंग बात हो जाएगी। इंडस्ट्री लीडिंग ऑटो हिल होल्ड इसमें मिल रहा है, फास्टेस्ट इंडियन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार लगा दिया है, क्योंकि अभी तक प्रूव नहीं किया है बट मार्केटिंग कर रहा है। आप देख सकते हो 0 to 40 2.6 सेकंड में कर लेगा, ऐसा कहना है, मतलब सोचने की बात है, 0 to 40 2.6 सेकंड्स में। 6.8 इंच का यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी वन ऑफ इट्स काइंड है। एंड यू कैन सी मोनोलिथिक डिजाइन यहाँ पे, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे किए हैं, रोबोस्ट डबल स्पोक एलॉय व्हील्स यहाँ पे किए गए हैं एंड एज यू कैन सी राइडिंग ट्रायंगल जो है बहुत अच्छा बन रहा है, मतलब जो एरोडायनेमिक्स है वो भी अच्छा काम किया है, राइडर पोस्चर अच्छा है, एक कंफर्ट अलग सा देगा। और इतना हाई स्पीड अगर व्हीकल है ना तो कंफर्ट तो उतना भी अच्छा चाहिए, सेफ्टी उतना अच्छा चाहिए। एंड फर्दर इफ यू सी इसमें 4 मोड मिलेंगे, जैसे बेस वेरियंट है उसमें इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल, ये 3 मोड मिल रहे थे, इसमें एक हाइपर मोड भी मिलेगा क्योंकि स्पीड इतना ज़्यादा है। एंड यू कैन सी ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिखने के लिए ये बनाया गया है, 0 to 2 बोल दिया मैंने, टॉप स्पीड 126 का यहाँ पे मिल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये तो कृत्रिम वॉइस असिस्टेंट, मतलब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ओला ने खुद का जो कंपनी चालू किया है कृत्रिम एआई नाम से। कृत्रिम ये एक संस्कृत वर्ड है, कृत्रिम मतलब जो जो रियल नहीं है उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो इसका इस पर यूज़ किया जाएगा, एआई असिस्टेंस इसमें होगा, ग्रुप नेविगेशन आप कर पाओगे, चार पांच अगर आप राइडर हो जिसी के भी पास ओला इलेक्ट्रिक है जिसका मूव ओएस 5 अपडेट हो चुका है, ऐसे चार पांच राइडर एक दूसरे का लोकेशन शेयर कर पाओगे। अगर आप कहां पे घूमने जा रहे हो तो ए बंदा बी का लोकेशन देख पाएगा, बी डी का भी देख पाएगा, डी ए का भी देख पाएगा, ऐसा मजा आया जाएगा इसमें, ऐसा इनका कहना है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है दैट वी डोंट नो। इसमें क्रूज कंट्रोल है, डीआईवाई मोड है, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। एंड कॉर्नरिंग एबीएस इन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी बात हो गई अभी इंडिया में जो नए नए टेक्नोलॉजी को आगे लेके आ रही है। कॉर्नरिंग एबीएस देखो बहुत अच्छी खासी चीजें लेके आ चुका है, इमरजेंसी एसओएस अलर्ट्स है, टेम्पर अलर्ट्स है इसमें, एंड ड्यूअल डिस्क ब्रेक तो है ही, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन यहाँ पे इनको मिल रहा है। अब इसका बैटरी पैक देख सकते हो, ये भी इनका जो नया इन्होंने सेल बनाया है उससे ये बैटरी पैक बनेगा, ऐसा इनका कहना है। IP67 रेटेड बैटरी है जो तीन वेरिएंट्स में आ जाती है, यहाँ पे मेंशन किया है 3.5, 4.5 एंड 6 किलोवाट आवर। एंड फर्दर यू कैन सी कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 13 किलोवाट का PMSM मोटर इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी IPM मोटर ये यूज़ करते हैं, नॉट द PMSM, IPM मोटर यूज़ करते हैं। इसको भी आप बुक कर सकते हो, ऑफकोर्स यहाँ पे बाकी सारे जो फीचर्स है वो मिल जाएंगे। ये देखो ये कंपैरेटिव टेबल हमारे सामने आ चुका है और यही मैं चाहता था आपके सामने लाने का, बट ये अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो भाई वीडियो लेंदी हो जाएगा, देखोगे ना एंड तक तो ऊपर के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तीन और तीन छः और एक सात, ऐसे सात वेरियंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। टॉप स्पीड जो है वो आप देखो 3.5, 4.5, 6, ओके ये मिडिल वेरिएंट है। रोडस्टर एक्स का 2.5, 3.5, 4.5, ओके ये बेस वेरिएंट के तीन वर्जन्स। और प्रो, तो प्रो का तो टॉप स्पीड में देख के चौंक गया, 194 kmph टॉप स्पीड बोल रहे हैं प्रो का, अमेजिंग। जिसमें 52 किलोवाट पिक वॉर वाली मोटर है और 16 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, वो 8 किलोवाट आवर का भी एक बैटरी पैक दो वर्जन में आ रहा है यहाँ पे, वो एनलिस्ट नहीं किया इन्होंने। एंड ये आप देखो फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो ये है ना लेंदी हो जाएगा, आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये रोडस्टर जो है ये मिडिल मॉडल हो गया, नाउ लेट्स गो फर्दर एंड डिस्कवर रोडस्टर प्रो। तो रोडस्टर प्रो जो है ना ये तो एकदम सबसे बाप आपको परफॉर्मेंस इसमें मिलेगा। एंड इफ यू सी दिस ओवरऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर एरोडायनामिकली बहुत ज़बरदस्त है। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द सर्विस एंड मेंटेनेंस कि ये कैसा देंगे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं इनका कहना है, बट बहुत सारे लोग जब मैं लाइव देख रहा तो कमेंट डाले जा रहे थे, वो चैट डाले जा रहे थे कि इम्प्रूव द सर्विस, गाड़ी पड़ी है, गाड़ी आपको मेंटेनेंस अच्छा नहीं करके मिल रहा, सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, तो ये ओला को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस अगेन एंड दिस इज अमेजिंग, मतलब यहाँ पे जो काम हुआ है 579 किलोमीटर्स का सर्टिफाइड रेंज मिल रहा है। 579 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, मैं बोलता हूँ 579 किलोवाट आवर किलोमीटर्स का जो रेंज है, मैं बोलता हूँ 400 भी, 450 भी मिल जाए ना तो बहुत तगड़ा रेंज है भाई। 579 इज़ अ बिग नंबर। इफ यू सी यहाँ पे एडास जो है वो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो कार में हमें मिलता है वो अभी यहाँ पे बाइक में मिल रहा है। देखो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ईवी इंडस्ट्री में। यू आर हैविंग एडवांस्ड इन हाउस ABS सिस्टम अलॉन्ग विद एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS एंड अलॉन्ग विद दैट वेहिक विली एंड स्टॉपी प्रिवेंशन, विली और स्टॉपी प्रिवेंशन भी इसमें होगा। तो एडवांस एल्गोरिदम जो है वो मैनेज करेंगे एंड प्रिवेंट करेंगे अनवांटेड विली एंड स्टॉपी इवेंट्स, तो सेफ्टी की तरफ भी ये हमें लेके जा रहा है। एंड फर्दर यू कैन सी ऑटोमेटेड हीटिंग एंड कूलिंग भी रहेगा इनके सीट में, ऐसा इनका कहना है भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। रेस मोड इसमें रहेगा, इंफोटेनमेंट फीचर्स बहुत सारे रहेंगे, इसका डिस्प्ले भी बहुत बड़ा है। तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ईवी इंडस्ट्री में ओला ने लाया है। मैं जल्दी से आपको क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ जो डिटेल्स है इसके प्राइसिंग के, वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे है वो, एंड लेट मी शो यू दैट। तब तक क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि क्या है ना, आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट है ना वो मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ऑफकोर्स वैसे भी मैं बनाता ही हूँ, बट आपको भी करना चाहिए ना, ओके तो ये मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके जा रहा हूँ भाई प्राइजिंग और स्टैटिस्टिक्स जो है इनके इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, हियर यू कैन सी
रोडस्टर प्रो जो है, जो टॉप वेरिएंट है, 1.2 सेकंड्स में 0 टू 40 कर देगा। कैसा हैंडल करोगे आपको ही पता है। 579 किलोमीटर्स का रेंज सिंगल चार्ज में, 52 किलोवाट का मोटर। उसके बाद में जो रोडस्टर प्रो दो वर्जन्स में आएगा, 8 किलोवाट आवर एंड 16 किलोवाट आवर। 8 किलोवाट आवर वाला 2 लाख में मिलेगा, 16 किलोवाट आवर वाला 2.5 लाख में मिलेगा। तो यहाँ पे 50,000 रुपए का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा कैची लग रहा है, 2 लाख और 2.5 लाख, मतलब 8 किलोवाट आवर बैटरी पैक का डिफरेंस है, 8 किलोवाट आवर। और प्राइस डिफरेंस अगर आप देखो लगभग 50,000 का ही है। तो ये कैसे बैठ रहा है इसमें, आई एम नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब लॉजिकली मुझे ये बराबर नहीं लग रहा। एंड जो रेंज बोलते हैं 579, वो इसकी है 16 किलोवाट आवर की। मेरा जो थम रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1 किलोवाट आवर अगर 30 किलोमीटर का रेंज दे तो 16 × 30 आप करो तो 480 किलोमीटर तक का इसको ट्रू रेंज एक्चुअली में मिलेगा। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी मच ट्रिकी। एंड इफ यू गो फर्दर यू विल अंडरस्टैंड दैट ओला इलेक्ट्रिक हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क, बट हो क्या रहा है, दे आर टेलिंग समथिंग एंड द एक्चुअल आउटकम इज डिफरेंट। तो वो बोलते हैं और करते हैं कुछ अलग, ऐसा थोड़ा सा हो रहा है, इसलिए थोड़े से कस्टमर भी उनके नाराज है। जो रोडस्टर है, जो इनका मिड वेरियंट है, दैट यू कैन सी इट इज हैविंग 0 to 40 इन 2.2 सेकेंड्स, विच इज अमेजिंग। अगेन 248 किलोमीटर्स ऑफ रेंज इन अ सिंगल चार्ज, विच इज नॉट एट ऑल ईजी इन इंडिया, कंसिडरिंग दे आर हैविंग 3 प्राइस रेंजेस। जो टॉप बोला मैंने 2 लाख और 2.5 लाख, जो मिड वेरिएंट है वो 1,05,000, 1,20,000 और 1,40,000, ऐसे वेरिएंट्स में मिल रहा है। एंड अगर मैं बेस की बात करूँ, जो एक्स है उसकी प्राइसिंग देखो, 75,000, 85,000 एंड 1 लाख। तो 75,000 एक्स शोरूम प्राइस से 2.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस तक आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल अभी मिल जाएंगे। ये आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज बोलना। बाकी जो डिटेल क्लासिफिकेशन है, डिटेल जो कंपैरिजन है अबाउट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, मैं वो बहुत ही जल्दी अगले वीडियो पे कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे एज नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।